बड़ा भाई छोटे भाई का जमीन पैमाने कर लिया, 4 बीघा जमीन छोटा भाई का पैमाने कर लिया बड़ा भाई। बोले नहीं 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 तुर को हिस्सा नहीं जुबक। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोलता था लठी लेके बड़ा भाई खड़ा हो जाता था कि पेंटिया दू ज्यादा बोलवे। छोटका भाई को किसी ने मशवरा दिया कि सुनो तुम कमजोर हो, तुम्हारा भाई बदमाश है, ऐसा करो तुम पंचेती बैठाओ, पंचेती बैठाओ, मुखिया साहब आएंगे सरपंच साहब आएंगे इंसाफ कर देगा। मुखिया साहब आए सरपंच साहब आया पूरे गांव वाला बैठा, समझल के सब को देखे बाबू तोर छोटो भेजू, छोटो भे के है जी बेटा बराबर है जी, इकर 4 बीघा जमीन तेले लहन से दाधन। तो बड़ा भाई खड़ा हुआ बोली कि देखा मुखिया साहब तुरो बात मान लो, सरपंच साहब तुरो बात मान लो, पूरे बस्ती की बात मान लो, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। मान के बात मान के अब मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया, बोले छोटे भाई को बोला गया बाबू सबर करी ले, सबर करी ले अल्लाह करो जजा देते। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। आई का काम किया बड़ा भाई, हज के टाइम में हज की तैयारी कर लिया कि हज कर वो हम, हज की मुकम्मल तैयारी हो गई। तो हज में जब जाने लगा तो सोचा कि चले जाते हैं कारी सुलेमान साहब से मिल लेते हैं मदरसा में जाकर कुंवारी में, हजरत कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिएगा। कारी सुलेमान साहब सब जानते थे पक्का बेमान है, तो कारी सुलेमान साहब से मिलने गए तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि कहाँ जे जा रहे, बोले अल्लाह तुरा पता नहीं जान हम हज हम जाइए। तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि पीछे का सारा मामला खत्म किया। बोला कौन मामला, हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो जो अपने भाई का 4 बीघा बेईमानी किया है वो जमीन लौटाए। तो बोला कि लो इसी को माफ कराने तो हम जा रहे हज करने के लिए, माफ होगा? अरे भाई बोलो वो माफ होगा? हजरत ने जवाब दिया नादान, अरे तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा, कसम खुदा की अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर दे। ये जमीन किसकी है? अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती में 50 मन मक्का हुआ, 50 मन गेहूं हुआ, धान हुआ, जब सब हसद के गोरा बाबा सब अमरूजी बाबा आपका सब नहीं है, उसमें यतीमों का हिस्सा है, अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, बेवाओं का हिस्सा दिया है, गुरबा का हिस्सा दिया है, उनको भी दो, सब तुम्हारा नहीं है। वाकिमुस्सलात वातुज़्ज़का, ज़कात निकालो अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे भाई अल्लाह कभी लेके आजमाता है, इसलिए मुसलमानों अल्लाह दौलत देना तो जन्नत में महल बनाओ। ये दुनिया तो फानी फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी, ये आंखें जो आज खुली है ना एक दिन बंद हो जाएगी। बंद होगी कि नहीं होगी? अभी आंख खुली है, पोता नाती नतनी बेटी बेटा सब, आज जैसे ही आंख बंद हो सब खत्म। बोले बात सही गलत है? बाप मर गया बेटा फोन किया कालू कालू की बोले बाबा मर ले कालू, अच्छा बेटा काना मत काना मत, एक दिन तो सबक जाना जी बेटा काना मत, मिट्टी ककनी होती असर बात करे की बोल नहीं कालू असर बात में बहुत भीड़ भाई भाई थी घरम जगह ने जी जोहर बादे कर था। अरे अभी तो मरा है, अरे बिल्डिंग बनाया है तुम्हारा बाप, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बिल्डिंग बनाया है, दिन और रात की नमाजें छोड़कर बिल्डिंग बनाया है, ना जाने 61-62 का पैसा लगाया है, अभी तो मरा है, थोड़ी देर इनकी लाश को रहने तो घर में, अभी क्यों भगा रहा है कब्रिस्तान? तो बेटों ने कहा कि नहीं नहीं मेहमान आएगा घर में जगह नहीं है, बहुत परेशानी है, हम लोग वैसे भी 2 दिन से बाप के पीछे परेशान थे, जल्दी मर गया है जल्दी मिट्टी मिजिल हो जाए तो हम लोग भी फारिग हो जाएंगे, मेहमान लोग चले जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, जाना है ना? अब भाई जाना है ना? कहाँ? ससुराल? कहाँ जाना जी? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब हो
थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है दो दिन, कितना दिन है ना, संगे मरमर लगाए, संगे मरमर बिछाए, सगुन की लड़की के लकड़ी का खिड़की लगाए, दरवाजा लगाए, कुर्बान जाइए। लोग फख्र से कहते हजरत आइए देखिए तो सही, मैंने घर बनाया। जयपुरक पत्थर मंगेली, जयपुरक पत्थर, संगे मरमर कुर्बान जाओ। खुशी है मेरे नौजवानों, सर छुपाने के लिए कि आशियाना बनाए खुशी की बात है, अल्लाह और दे। लेकिन यहाँ घर बनाने के साथ साथ वहां का भी घर बनाना जरूरी है कि नहीं भाई? अरे यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, क्या बोलिएगा? मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से लगाओ। ये 60 साल, 70 साल जिंदगी, ये 80 साल जिंदगी, ये यहीं तक की जिंदगी है जहां हमेशा रहना है। तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है। जहां जाने के बाद नहीं आना है तो वहां घर बनाना होगा कि नहीं होगा भाई? वहां वहां जरूरी है कि यहां जरूरी है, बोलियो वहां जरूरी। कितने लोग वहां घर बनाएंगे, जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कई बच्चे हाफिज कुरान हुए भाई? ए बच्चे, ये देखिए इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर, एक बच्चा इधर आना, एक बच्चा इधर आ। जानते हैं ये कौन बच्चे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो बच्चा है, बैठ जाओ, ये वो बच्चा है, कुर्बान जाओ। ओहो, ये अल्लाह का दोस्त है, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? अबे बोलो भाई, आइए वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब, इसको बंद करो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? सब चाहता है। अब भाई सब चाहते हैं ना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं थे। अब बुढ़वा से सोचते थे कि बोली जियो, हमें नमाज पढ़िए, रोजा रखे जिन, कुरान पढ़िए, मैंने जो। हाँ लेकिन नौजवान सुनो, अल्लाह बूढ़े बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, अल्लाह बूढ़ा को जवान बनाएगा। अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा, 33 साल की अल्लाह उम्र देगा, जवान बनाकर हट्ठा कट्ठा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। आपने कहा कि मैं जन्नत में महल बनाऊंगा, ये अल्लाह का दोस्त है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ इनसे जो दोस्ती करेगा दुनिया में अल्लाह का दोस्त होगा कि नहीं होगा? भाई जो इससे दोस्ती करेगा अल्लाह उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ एक हाफिज कुरान की निस्बत से, ये कुरान की निस्बत से, ये कुरान लाओ मेरे हाथों में, अल्लाह का कुरान दो, ये वो किताब है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर में किसी मजहब के पास वो किताब नहीं है जो किताब मजहब इस्लाम के पास में है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो किताब है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छू लेगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो मुसलमान इस किताब को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल कयामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। इंसान, खूबसूरत इंसान, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब वश्शादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा गया अल्लाह मैं तेरा कुरान, कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की थी, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे रहा। आओ कुरान की अजमत, कुरान की मोहब्बत में। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, कम से कम मिनिमम खर्च मान लो, एक बच्चे का खर्च मिनिमम 700-800 रुपए एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च है। एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया 2.5-3 साल के अंदर में, मिनिमम एक हाफिज कुरान को बनाने में कम से कम 20,000 रुपया खर्चा है। कितना खर्चा बोलिए? अरे बोलो भाई कितना खर्चा है? 20,000 रुपए। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवान और मेरे बुजुर्गों, आओ जन्नत में महल बनाओ। एक हाफिज कुरान को अल्लाह ने दौलत दिया है,
अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, इंशाल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह कुरान के तुफैल में अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करबो, कत दुआ करबो बोलूँ तो, अरे बोलो भाई कितना दुआ करेंगे, 10 दुआ करूंगा मैं उनके लिए इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपने माँ बाप के नाम पर ए मुसलमानों सुनो, एक बच्चे का खर्च उठा लोगे, ये बच्चा पढ़कर दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। आप पैसा देकर चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, गरैया के सरजमीन है, इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी मिल जाएगा। 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, अभी खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हादसा हो, अगर अभी कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15-20-25,000 तो यूँ खर्च हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, आज अल्हम्दुलिल्लाह चंदा दे दो, अल्लाह बला से बचाएगा, वबा से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। अच्छा जो लोग बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए हैं, अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहले नंबर पे इंशाल्लाह एक बच्चे का खर्च मां नाम आ जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जन्ने दस्ते दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मेरी माँ बहनों, आपके आपसे भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। मेरी माँ बहनों, है कोई जेवर जेवरा से, हाथ का कंगन हो, पांव का पाजेब हो, गले का चैन हो, नाक का नथिया हो, कान का झुमका हो, चाहे तो एक बच्चे का खर्च हो, मेरी माँ बहनों आप अपनी पिंडाल से यहाँ पर क्या कहते हैं अपना नाम लेकर भेजो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा, अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी इंशाल्लाह, भाई देखिए पहला शेर तैयार हो गया माशाल्लाह, पहला शेर, पहला अल्लाह का शेर, अब्दुल मन्नान भाई, हाँ 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 भाई, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं वो पहले पहल करें, वो तो खुशनसीब हैं कि उसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, कयामत में अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज पहनाएगा, सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह, उनको तो खुश होना चाहिए। अब्दुल मन्नान भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह इन्होंने 10,000 एक बच्चे का खर्च उठाया 20,000 रुपए, अल्लाह इन्हें दान तक कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेत में खलियान में दाने दाने में बरकत दे, अल्लाह उनके वालदेन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।